मुझे ही देख रहे हो क्या? क्या समस्या क्या है? एक तक मुझे ऐसे घूरे क्यों जा रहे हो? क्या हुआ क्या है? क्या लगता है तुम्हें, ये स्वयंवर में इस चुनौती का विचार महाराज आकाश ने रखा होगा, है ना? अपनी पुत्री राजकुमारी पद्मावती के लिए वो एक नर्तक खोज रहे होंगे विवाह के लिए, है? अरे हो ना हो, ये विचार राजकुमारी पद्मावती का ही है। वो राजकुमारी पद्मावती जो जानती है कि इस समस्त राज्य में एकमात्र तुम ही हो जो नृत्य में उनसे श्रेष्ठ हो। बस समझ ये नहीं आ रहा है कि राजकुमारी पद्मावती ऐसा करना क्यों चाह रही है, चाह क्या रही है वो? जिस कृष्ण का उदाहरण दिया है ना तुमने, उसी कृष्ण ने ये भी कहा है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। मुझे अपने नृत्य पर ध्यान देना है, क्योंकि स्वयंवर से पूर्व एक प्रतियोगिता भी तो जीतनी है मुझे। मूर्ख है मेरी बहन, अपनी स्वयंवर की चिंता छोड़ किसी प्रतियोगिता की अधिक चिंता है इसे। सोच रही है कि कोई कृष्ण समान आएगा इसका स्वयंवर सफल करने। मैं भी तो देखूं कि कृष्ण जैसा कौन आता है पद्मावती के स्वयंवर में। कृपा करके बता दो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि इसका संदेह तनिक भी महाराज या कुमार वासु को हो गया ना, तो सर्वप्रथम हम दोनों की गर्दन कटेगी। मैं भी हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, मेरी बात मान लीजिए, चिंता त्याग दीजिए गोविंद राज। और वैसे भी आप सोच के देखिए ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि राजकुमारी को किसी और राज्य के सर्वश्रेष्ठ नर्तक से प्रेम हो गया। देखो ये मैं तो नहीं जानता, मुझे बस ये सब सोच कर, ये सब देख कर ना बड़ी चिंता होती है कि इसमें तुम्हें कोई हानि ना पहुंच जाए। श्री नहीं पहुंचेगी, पर संतोष इस बात का है कि अंततः तुम्हारे और भार्गवी के मध्य सब कुछ ठीक है। कुछ बात आगे बढ़ी? बात तो आगे बढ़ी रही है, और ऐसे आगे बढ़ रही है कि कैसे समझाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा हो रहा है सब, यदि सब कुछ इतना अच्छा चल ही रहा है तो किसी दिन मुझे भी ले चलो उनके घर। मैं ऋषि भृगु से बात करूंगा तुम्हारे लिए, हो सकता है बात और आगे बढ़ जाए। वैसे आप उचित कह रहे हैं, आपको एक बार मिलवाना चाहिए। कल भेंट करा देता हूँ आपके। तुम सत्य कह रहे हो? हाँ सत्य कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों कहूँगा। चलो अच्छी बात है, अब बस मैं इतनी सी आशा करता हूँ कि कल सब कुछ ठीक से हो जाए। भले ही अभी महर्षि भृगु से भार्गव का हाथ मांगने का समय नहीं आया, किंतु बड़े भाई से उनकी जान पहचान तो करवाई जा ही सकती है। इससे पहले कि पद्मावती का प्रकरण हाथ से निकले, मुझे कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। तुमसे रुष्ट होकर मैंने तुम्हारा भेंट किया हुआ ये कंगन उतार दिया था श्रीनिवास। क्रोध में आकर कह दिया था कि मुझे ना तुम्हारा ये उपहार चाहिए और ना ही तुम्हारी मित्रता। किंतु अब यह आभास हो रहा है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में तुम्हारे जैसा कोई है। कल तुम्हारे आने की प्रतीक्षा रहेगी। कल का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है भार्गवी। आज तक इस यात्रा में मैंने जितने भी प्रयास किए और आगे जो भी करने वाला हूँ, उसका उद्देश्य यही है कि मैं तुम्हें अपने साथ तुम्हारे पिताजी की अनुमति से ले जाऊं। कल का दिन बड़ा है, कल पहली बार ऋषि भृगु मुझे और गोविंद राज हम दोनों से साथ में भेंट करेंगे, और यदि सब कुछ अच्छा रहा तो बात आगे भी बढ़ सकती है। बस आशा करता हूं कि कल का ये दिवस अच्छा जाए।
क्या है भार्गवी, क्या हो गया है तुम्हें आज? पहले तो हमें तुमने डांट के भगा दिया और फिर स्वयं ही हमें बुला लिया कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है अकेले। वही तो, और अब ठीक से सो भी नहीं रही हो और अधीर हो रही हो। आखिर बात क्या है हुँ? मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे निद्रा ही नहीं आ रही है। और हाँ, आज मैंने तुम्हें डांट कर भगा दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे ना एकांत में नहीं रहना था, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी रात्रि तुमसे बात कर सकती हूँ। ऐसा प्रतीत होता है विद्या कि भार्गवी ना किसी विशेष बात से प्रसन्न है। कहीं श्रीनिवास से बात तो नहीं हुई ना? हाँ हाँ, बात तो हो गई हम दोनों की। ना जाने क्यों आज ऐसा आभास हो रहा है जैसे जीवन में सब मंगल होने वाला है। मैं कुछ बहुत ही बड़ा करने वाली हूँ, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें? इस हम में तुम्हारे साथ दूसरा कौन है? हमें मेरा तात्पर्य मुझे, वो तो भूलवश निकल गया। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस हम में मैं और श्रीनिवास दोनों हैं। मेरे मन में कुछ भावनाएं तो हैं श्रीनिवास के लिए, किंतु क्या है ये अभी मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा। कहाँ खो गई? या यूं पूछो, इसके स्वप्न में खो गई। तुम दोनों भी ना बस एक ही बात करने आती है। अरे सोने दो, भोर से पूर्व उठना है बाबा की पूजा से पहले। सोचो सोचो, ठीक से सोना भार्गवी, और ना मीठे मीठे स्वप्न भी देखना, कहीं स्वप्न में हम दोनों ना आ जाए। जहां आपने लात मारी है वो मेरा स्थान है, उसके लिए मैं आपको कदापि क्षमा नहीं करूं। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। क्या हुआ, घबराए हुए क्यों हैं? ठीक है आप? अचानक इन्हें क्या हो गया? मैं चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। ब्रह्म मुहूर्त के समय मुझे उस श्राप का स्वप्न आना कोई संयोग नहीं हो सकता। कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो समय निकट है जब भार्गवी मुझे छोड़ के वापस नारायण के पास चली जाएगी? क्या इस स्वप्न का ये तात्पर्य है कि नारायण मेरी भार्गवी को लेने आ गए हैं? क्या हुआ, आप इतने व्यथित क्यों हैं? आओ मेरे साथ। आपने अवश्य कोई दूसरा स्वप्न देखा है, किसी कारण से आप इतने व्यथित हैं? न जाने क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही बुरा घटित होने को है, कोई श्राप फलित होने को है। उसी के चलते ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी पुत्री भार्गवी को मुझसे छीन लेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला भार्गवी को आपसे कौन छीन सकता है? भार्गवी आपकी पुत्री है। यही सुनिश्चित करना चाहता हूँ, ये केवल एक कुछ स्वप्न था और कुछ नहीं। आश्वस्त होना चाहता हूँ कि अपनी पुत्री को खोने का भय केवल मेरा एक भ्रम है। तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कैसे?